जैसे मैं यूनिवर्सिटी आया था तो मैंने सोचा मेरे बस पास भी एक्सपायर हो रहा है, मतलब कि 2 फरवरी तक है वो, तो सोचा मतलब टिकट्स ले लेते हैं। So hey what's up guys, welcome back to another video. I am Sandeep Singh and you are watching In2Can Vlogs. So guys, आज की वीडियो में मैं जो केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी का आपको टूर करवाने वाला हूँ, मतलब कि CBU कैसा है, इस वीडियो से रिलेटेड मुझे मतलब कि सुजेशन कह लो या फिर कमेंट्स कह लो, 1 ईयर मतलब 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया, उससे पहले कि आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो बना लेते हैं। तो अभी मैं इस टाइम पर जो खड़ा हूँ बस शेल्टर के नीचे खड़ा हूँ। सो आपको दिखा देते हैं जो व्यू, मतलब जहाँ पर बस रुकती है यहाँ पर आने के बाद। तो गाइस ये बेसिकली बस स्टॉप है, यहाँ पे मतलब सिडनी की बस यहाँ पे आके रुकती है, और आगे वो मतलब ग्लेसवे और न्यू वाटरफोर्ड से बसेस यहाँ पे आके रुकती है, और ये आसपास का व्यू है। ये यहाँ पे मतलब सब है, ये बस शेल्टर है, यहाँ पे यूजली स्टूडेंट्स मतलब जब बस रुकती है यहाँ पे आके कई बार लाइन भी लगी होती है, जैसे आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ तो इस करके यहाँ पे मतलब लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ठीक है गाइस, अब आपको लेके चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब कि यूनिवर्सिटी अंदर से कैसी है, मतलब रूम्स और भी मतलब और चीज़ें, मतलब कहाँ से हम ID कार्ड वगैरह बनाएँ और अपना बस पास बनवाएँ। तो ये गाइस कैंपस सेंटर है, मतलब यहाँ से यूनिवर्सिटी की एंट्री होती है, इसके एग्जैक्टली ऊपर स्टूडेंट्स यूनियन का ऑफिस है, वहाँ से हम मतलब जाके हम बस पास बनवा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मतलब कि जो मेरे को बढ़िया लगता है आपको वो दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मतलब एक CBU चैपलेंसी है, वहाँ पे आके जैसे हम अपनी आफ्टर क्लासेस हम आके रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं। सो आज जैसे वीकेंड है तो इस करके थोड़ा सा ऑफ है, मतलब ये सब कुछ डोर वगैरह क्लोज है, तो आपको दिखा देता हूँ वो मैं। ये गाइस CBU चैपलेंसी का जो रूम है, यहाँ पे आके हम जैसे ये कॉमन प्रेयर रूम भी है, हम यहाँ पे आके रेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर सोफे वगैरह लगे हैं जब हम क्लासेस से थक जाते हैं। अभी ये रूम क्लोज है। तो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ बास्केटबॉल स्टेडियम में, मतलब कि कैलोग फील्ड हाउस, वहाँ पे मतलब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मतलब एग्ज़ाम टाइम में वहाँ पे मतलब बास्केटबॉल स्टेडियम है एक टाइप से वहाँ पे, बट एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, चेयर्स वगैरह लगा दी जाती है एग्ज़ाम टाइम में। सो आपको दिखाते हैं वो मतलब कि कैसा है वो अंदर से। जितना भी एरिया है मतलब ये फील्ड हाउस है, यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेलते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे एग्ज़ाम टाइम में यहाँ पे चेयर्स वगैरह जैसे भी लगाई हुई है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी होते हैं हमारे। और जैसे यहाँ पे इसके दूसरी साइड कई स्टूडेंट्स जैसे बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं, मतलब जैसे हम नेट लगा के कैसे यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जब हम कॉरिडोर से हम एंटर करते हैं, जैसे जो ये मेन यहाँ पे जैसे कह लो कि सिटिंग एरिया है, जैसे टिम हॉर्टन के साथ जैसे कैफेटेरिया के आसपास का, यहाँ पे जैसे बैठने के लिए स्पेस है यहाँ पे। तो अब आप सब सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो मैं मतलब वीकडेज़ में क्यों नहीं बनाई, मतलब मैं आज वीकेंड पे सैटरडे को क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न यही है कि वीकडेज़ में यहाँ पे मतलब कि थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और कहूँ कि रश ज़्यादा होता है, तो इस ढंग से जैसे फ्रीली थोड़ा सा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इस करके ये वीडियो मैं आज मतलब कि सैटरडे को बना रहा हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी आया था तो मैंने सोचा मेरे बस पास भी एक्सपायर हो रहा है, मतलब कि 2 फरवरी तक है वो, तो सोचा मतलब टिकट्स ले लेते हैं। जैसे अगर हमें बस पास बनाना होता है तो वो स्टूडेंट यूनियन में बनता है, अगर हमें टिकट्स लेनी होती है तो वो हमें केपर्स कन्वीनियंस से मिल जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो वैसे देखो हम यहाँ पर हम जैसे हम बस टिकट की हम बुक भी खरीद सकते हैं, बुकलेट। तो भी जैसे मैं परचेज़ कर रहा हूँ। How much? $30. तो ये गाइस, ये जैसे केप पर कन्वीनियंस है। अभी यहाँ से जैसे जो मैंने बस टिकट्स खरीदी है, अगर हमें जैसे बस पास बनवाना होता है तो हम वो स्टूडेंट यूनियन से बनवाते हैं। तो जो बस टिकट की जैसे जो मैंने पूरी बुकलेट परचेज़ की है तो ये $30 की होती है। इसमें अराउंड 20 टिकट्स होती है आई थिंक। तो ये आपको बताता हूँ, जैसे ये टिकट इसमें जैसे 2 बस पास है, जैसे 2 बस टिकट्स। तो वैसे भी आपको लेके चलता हूँ मैं लाइब्रेरी में, मतलब यहाँ की हमारी लाइब्रेरी कैसी है तो आपको दिखाता हूँ अभी। जो मेरे पीछे जो ये स्क्रीन है, मतलब कि यहाँ पे इंडिकेट होता है कि हमें जैसे अगर हम स्टडी रूम बुक करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे हम ये ऑनलाइन जाके भी इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सीबीयू की। तो ये गाइस, हम यहाँ पे जैसे हम स्टडी रूम बुक कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैसे एक स्टडी रूम है, ये 2 पर्सन के लिए है, इससे ज़्यादा के लिए भी होता है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, अब आपको लाइब्रेरी के बाद क्लासेस में लेके चलता हूँ कि क्लासेस यहाँ पे मतलब कैसी होती है और भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब गाइस जैसे वीडियो मैंने बस पास और जो टिकट्स की बात की है तो उससे रिलेटेड ये भी बात कर लेते हैं। जैसे कहीं स्टूडेंट पूछते हैं हमें बस पास सस्ता पड़ेगा या फिर हमें बस टिकट सस्ती पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कितनी क्लासेस है। अगर मान लो हमारी वीक में हमारी 5 क्लासेस है, 5 डेज़, फिर तो मेरे हिसाब से हमको जैसे बस पास ही बनवाना चाहिए। और अगर हमारी मतलब कि वीक डेज़ में जैसे हमारी अगर 3 डेज़ क्लासेस है तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमें टिकट कई बार सस्ती पड़ती है। बाकी पास का ही है कि हम जैसे अनलिमिटेड टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आपको आगे जैसे मैं क्लासेस में लेके चलता हूँ। तो गाइज़, ये है हमारा मैथ एंड साइंस सेंटर। यहाँ पे जैसे हमें कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हम यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे ट्यूटर अवेलेबल होते हैं तो हम किसी भी टाइम उनसे आके पूछ सकते हैं। जैसे आज तो सैटरडे, इसका ये बंद है। और ये जो इसके साथ ही हमारा जो ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस और कहो कि स्टडी अब्रॉड सेंटर। यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र है वो बैठते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी हमें जैसे डाउट होता है, हमारे स्टडी परमिट से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड, या फिर जैसे किसी भी टाइप का डाउट होता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं आके। गाइस, जैसे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स है। यहाँ पे ऐसे मतलब कि हम यहाँ पे हम जैसे आके हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जैसे प्रिंट वगैरह कराना हो। और यहाँ पे क्लासेस भी लगती है कहीं। और ये जैसे यहाँ पे गाइस आईटी सर्विस डेस्क जो ये यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे हम जैसे आके अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। और ये यहाँ पे जैसे प्रिंटर भी है, हमें जैसे कुछ प्रिंट करना हो तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अपना स्टूडेंट आई डी कार्ड टैप करना होता है, उसके बाद जैसे हम प्रिंट भी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो हम कर सकते हैं। और जैसे अगर अपने स्टूडेंट आई डी कार्ड को हमने रिचार्ज करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर अपने आई डी कार्ड को टैप करके। गाइस, जो आईटी सर्विसेज का ऑफिस है हम वहाँ पे अपना जैसे स्टूडेंट आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो आई थिंक जैसे फर्स्ट टाइम तो ये फ्री बनता है, और अगर उसके बाद अगर हम इसे लॉस्ट कर दें, हमसे गुम हो जाए तो आई थिंक $15 लगता है, 15 पता नहीं $20 के अराउंड। और ये है हमारा सीबीयू एनरोलमेंट सर्विसेज का ऑफिस, जहाँ पर आके हम जैसे हम अपने कोर्स रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है गाइस, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं जो हमारा ग्रेट हॉल है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे मतलब कि ऑलमोस्ट हर कंट्री के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके से फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो आपको वो दिखाता हूँ वो प्लेस में। और ये पीछे जो मेरे है वो एनरोलमेंट सर्विस का ऑफिस था। यहाँ से मतलब कि हम जैसे अपना स्टूडेंट आई डी कार्ड बनवा सकते हैं। और ठीक है, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं आगे। ये गाइस जो ये हॉल है इसको जैसे ग्रेट हॉल कहते हैं। यहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट हर कंट्री के फ्लैग्स लगे हुए हैं, मतलब जिस जिस कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट हर उस कंट्री के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं। आपको जैसे अपना इंडिया का भी फ्लैग दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो देखो वहाँ पे लगा हुआ है। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको, मतलब कि। और जो ये वीडियो है ये मैंने थोड़ी सी शॉर्ट रखने का ट्राई किया, तो इसका कि मैंने इसमें से जो कुछ जैसे कुछ वीडियो के पार्ट्स थे वो मैंने कट किए। अगर आप मतलब उसके फुल पार्ट को देखना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसके जो बिहाइंड द सीन्स और भी जैसे जो फुल पार्ट है, जैसे जो फुल वीडियो है, मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा। सो ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, लिव वेल।